लेकिन टीदिंग शुरू हुई है तब से, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर, उसे बहुत ज़्यादा गम्स में इचिंग होती है, तकलीफ होती है, दर्द भी होता है जब वो गम्स फट के बाहर आने वाले होते हैं टीथ तो, और ऐसा सब बोलते हैं कि इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो रूहान का इस वक्त वही फेस चल रहा है। एक चीज़ जो मेरे बहुत हेल्प हुई है वो ये तो मैंने ऐसे ही मंगा लिया था, मैंने आशु को बोला था कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे दिखे तो बताना, तो उसने मुझे ये, इसमें यू नो फ्रूट पल्प आप फ्रीज करके बच्चे को दे सकते हो एंड द चाइल्ड कैन काइंड ऑफ चू ऑन इट, लेकिन नॉट चू, सक ऑन इट। सो लेकिन अब ये है कि मैं अपना मिल्क इसमें एक्सप्रेस करके इसमें डाल के उसको फ्रीज कर देती हूँ, और इस तरीके से जो है एक यू नो कैंडी टाइप बन जाता है, एंड रूहान उसके साथ ही काइंड ऑफ सक्स ऑन टू इट फॉर सम टाइम, और उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, रूहान के दांत निकल रहे हैं जिस वजह से रूहान के गम्स में इचिंग हो रही है, और दीपिका ने अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ब्रेस्ट मिल्क की आइसक्रीम जो है रूहान के लिए जमा के दी, और रूहान से उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। तो इस वीडियो पर दीपिका हो रही है काफ़ी ज़्यादा ट्रोल, कहा जा रहा है कि दीपिका को बिल्कुल शर्म नहीं है, वो ऐसी वैसी चीज़ें और अपने ब्रेस्ट मिल्क और फीड वगैरह को वो इतना शो क्यों करती है। हर एक माँ अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, मगर दीपिका जो है इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही वीडियो में कुछ ज़्यादा ही दिखाती हैं और बताती हैं, तो इस तरह से दीपिका को ट्रोल किया जा रहा है। बल्कि एक गलत बात है इसमें, कोई दीपिका ने कोई गलत बात नहीं की है, जबकि उन्होंने तो एक अच्छा काम किया है, क्योंकि ये एक न्यू मॉम्स के लिए बहुत अच्छी टिप्स है जिनके बेबी के अभी दांत निकलने शुरू हो रहे हैं। बेबी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, इस वजह से दीपिका ने ये एक्सपीरियंस अपने फैंस के साथ शेयर किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इजाजत चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।